नमस्कार मुझ किशोर एन क्लासेस गोटे नुआ और इबुट एंड एमसीक्यू सेशन को आपण को स्वागत करुच्छे। तो पाने भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व जदि आपने चैनल को प्रथम थर पर भिजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे थ बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु जहाँद्वारा भिड अपलोड होकर नोटिफिकेशन पहुंची। ओके आसतु आज सेसन स्टार्ट करवा। सो पाने आज सेसन क्वेश्चन नंबर वन इज 3D मीन्स इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। आम जो हॉस्पिटल रे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आम करेस्ट मैनेजमेंट कर टेक्निक यूज करा जाए। क्वेश्चन कौन से 3D टेक्निक निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य कौटा हे। ऑप्शन ए डिसइनफेक्शन डिस्पोजल एंड ड्रेनेज। ऑप्शन बी डिस्कार्ड डिसइनफेक्शन एंड ड्रेनेज। ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन डीप ब्यूरियल और ड्रेनेज एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन डीप ब्यूरियल एंड डिस्पोजल। देह टे ठीक ना आपण मानक भयस में भी टी ये टाइप रुणा जा। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए। ओके 3D मीन्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज डिसइनफेक्शन। फर्स्ट आम डिसइनफेक्ट करिया देन डिस्पोजल देन ड्रेनेज। ओके जदि लिक्विड वेस्ट होता आम ड्रेनेज करवा एंड जदि सॉलिड वेस्ट होती आम करेक्ट कलर कोडिंग बिन रे डिस्पोज करिया। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। ठीक अच्छे देन देखिए आम क्वेश्चन नंबर टू। देन देखिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कौन कहे आपण मैंने शुणी गाँ गहली प्रायतः तो आजिकल कहवे लगी कौन करना से भेजाल करदे से भेजाल। से भेजाल उपरे दुई नंबर क्वेश्चन अच्छे से कहे मिक्सिंग ऑफ ब्रिक्स पाउडर विथ चिल्ली पाउडर इज कॉल्ड फूड इंटॉक्सिकेशन फूड एडिटिव्स फूड फोर्टिफिकेशन और फूड एडल्टरेशन। देखो आपण मैंने आम जो भेजाल कथा कहते से भेजाल केत जितेबले आम सोरस तेल सहित आउ अन्य तेल किसी मिसेद। ओके आमर महु सहित चीनी सीरा मिसेद इमें हुए ना। तो से प्रोसेस को आम कौ कहते गाँ गाँवली भाषा कहते भेजाल। ओके किंतु आमर मेडिकल टर्म रे जो मैंने आपण मैंने पोस्टिंग पाइबे एग्जाम रे सिलेक्शन हो जो मैंने पोस्टिंग पाइबे से मैंने ईट राइट इंडिया गोटे ट्रेनिंग ने समस्ते 100% ने यहाँ गवर्नमेंट रो प्लान एवं प्रोसेस भी तेणु जो मैंने पोस्टिंग पाइबे से मैंने ईट राइट इंडिया रो ने तेणु यही सब जिन से आपण पढ़ा हे एंड आई थिंक आपण कोर्स रे भी एगुड़ाक थी। ओके जेहेतु ये कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड तेणु निहाती भाव यहाँ थी से कहे जे आम लंका गुंड सहित जदि आम ईटा गुंड को मिसेद ये प्रोसेस को कौन बोली फूड इंटॉक्सिकेशन बोली ना फूड एडिटिव्स बोली एडिटिव्स जापार तो मैंने जनकर एमती पसंद थी जे लंका गुंड सहित से ईटा गुंड मिसेक खाइब तार अभ्यास होटा हूँ एडिटिव्स। ओके फूड फोर्टिफिकेशन और फूड एडल्टरेशन कौटा हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आम जो भेजाल कहते से भेजाल को मेडिकल टर्म रे कौन कहते आम फूड एडल्टरेशन बोली कहते। ओके माने जोड़ा आम कौन चाहती जे आम गोटे प्योर जिनस पाइबा किंतु एडल्टरेशन प्रोसेस रे कौन हुए आमको प्योर जिनसा मिले नहीं। ठीक अच्छे अटा गुंड सहित से चाउल गुंड पकईदे सब चूना हाँ आउ एम सब जो गुड़ाक मिक्सिंग जिनस सब बिक्री हुए भेजाल जिनस मेडिकल टर्म रे फूड एडल्टरेशन बोली कहते बुझीगला। एवं नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहला कॉपर टी 380A शुड बी रिप्लेस्ड वन्स इन ए 4 इयर्स 6 इयर 8 इयर्स और 10 इयर्स। आमर जो कॉपर टी 380A अच्छी सेटा को आम केते वर्ष थोड़े रिप्लेस करवा चेंज करवा सेटा हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 10 इयर 10 वर्ष। ठीक अच्छे तार टाइम लिमिट हो टाइम पीरियड हो 10 वर्ष। ये क्वेश्चन भी नर्सेट 2022 रे आसला तेणु जो नर्सिंग पिला माने जो माने नर्सेट एग्जाम दौंते से माने भी जो भिडियो देखुंत यटा को नोट करके रखि था इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर टी 380A रो आमर जो टाइम पीरियड अच्छे से 10 इयर्स। एक्चुअली आज मुझे लाउडली कही पार नहीं पाने पेन होचुअली थ्रोट पेन बहुत जोर है। नेक्स्ट हूँ आम क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहला एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स कौन देखो फोबिया रो ऑलरेडी आमर गोटे क्लास कंडक्ट कराई जो मैंने देखी ना MPHW 2023 ना रे जो आम प्लेलीस्ट अवेलेबल अच्छे से भिडियोटी अच्छी आपण मैंने देखिपर से
ऑल अबाउट द फोबिया सेटी डिटेल्स रे डिस्कशन कराई ओके तेणु आशा करुच्ची क्वेश्चन टी आपलरेडी तार उत्तर जाणी सारे एग्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस फियर ऑफ हाइट फियर ऑफ मैन एंड फियर ऑफ पेन कौटा हम अंधार को डर लगे एग्रोफोबिया कह जाए ना हाइट को डर लगे एग्रोफोबिया कह जाए ना लोक मान पुरुष लोक मान देखे डर लगे ना कौन सी जंत्रणा बा बथा जोड़ा को आम कहते पेन को डर लगे एग्रोफोबिया कहवा कौटा हम करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज फियर ऑफ हाइट ओके फियर ऑफ हाइट इज नोन एज एग्रोफोबिया अच्छा फियर ऑफ डार्कनेस कौन आपण मैंने देखिथे मेनली एबे भी किछि जण अछन्ति बड़ हो गला परे भी लाइट फाइट बंद कर दे कि कबाटे कबाट कोण रे तांग खाली चिल्लै देबे से सेमती डोरी के दौड़ी पलैबे कुआडे हला सेटा हो जे हमरो फियर ऑफ डार्कनेस ताको को कह जाए एक्लोफोबिया कह जाए हला फियर ऑफ डार्कनेस इज एक्लोफोबिया ओके एक्लोफोबिया इज फियर ऑफ डार्कनेस एंड फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया ओके फियर ऑफ मेन कौन एंड्रोफोबिया ओके फियर ऑफ मेन इज एंड्रोफोबिया सेठी ऑलरेडी डिस्कशन कराई तथापि कही दे नुआ सब्सक्राइबर जो मैंने थे देन फियर ऑफ पेन इज एग्लियोफोबिया ठीक अच्छे एग्लियोफोबिया मन रहा जदि लिखी ना देखी ना भिडियोटी को निहती भाव में देखिए कहीं इंपोर्टां टर्म गुड़ाक अच्छे नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कहला ओम्फलाइटिस इज एब्डोमिनल सेप्सिस प्लासेंटल सेप्सिस सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन ओके एब्डोमिनल सेप्सिस प्लासेंटल सेप्सिस पेरिटोनियल सेप्सिस और ओम्बिलिकल सेप्सिस दैट मीन्स से कहे पेटर जो इन्फेक्शन हो जाए ताको आम सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन आफ्टर एनी प्रोसीजर ओके ताको आम कहवा सेप्सिस सो पेटर जदि किसी इन्फेक्शन हो जाए प्रोसीजर द्वारा ताको आम कह ओम्फलाइटिस ना प्लासेंटा हो गले ताको ओम्फलाइटिस कहवा ना पेरिटोनियल रे पेरिटोनियल कैविटी रे सेप्सिस हो गले ताको ओम्फलाइटिस कहवा ना ओम्बिलिकल कॉर्ड रे सेप्सिस हो गले ताको ओम्फलाइटिस कहवा कोडा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम्फलाइटिस दैट मीन्स द सेप्सिस ऑफ ओम्बिलिकल कॉर्ड ओके ओम्बिलिकल कॉर्ड रे जदि कौन सी टाइप रो सेप्सिस हो गला बा इन्फेक्शन हो गला ताहले आम कौन कहवा ताको ओम्फलाइटिस बोली कहवा ओके ये इन्फेक्शन केतेबेले हेबार चांसेस थाय जेतेबेले कॉर्ड कटिंग हबो बुझे हो जे कॉर्ड कटिंग परे परे जदि इन्फेक्शन हो जाए आम होम विजिट करचोंती आशा दीदी माने करचोंती किंबा एनएम दीदी माने होम विजिट करचोंती सेठी आम जदि जाई कि छुआ को देखिले एचबीएनसी जोटा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर ओके तो सेठी जदि आम जाई कि देखिले जे तार ओम्बिलिकस एरिया रे ओम्बिलिकल कॉर्ड पाखरे किंबा ओम्बिलिकल कॉर्ड रे जदि किछि कोनसी टाइप रो सेप्सिस कंडीशन हो जाए दैट मीन्स सेटा पाची जाइछि कि सेथिरु पानी बाहर जी कि आमर नाभी चारि पाखरे लाल हो जाए ओके ताहले आम कौन करवा ताको सांगे सांगे डॉक्टर को पाखु रेफर कर दबा ओके सो फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके देन देखिबा क्वेश्चन नंबर सिक्स कहला मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो सब मोस्ट कॉमन साइट कौटा ऑलरेडी आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिलेटेड क्लास कर सारी ठीक अच्छे जो मैंने से क्लास टी देखी थे से मैंने ऑलरेडी जानी सारे आंसर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑप्शन ए ट्यूबल ऑप्शन बी ओवेरियन ऑप्शन सी एब्डोमिनल ऑप्शन डी सर्वाइकल निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य क्योंटि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबुठ कॉमन साइट ठीक अच्छे सेटा कौटा हम ऑप्शन ए ओके ट्यूबल प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठीक अच्छे जदि आमर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुए ताहले आमर सेटा कौटा हम फालोपियन ट्यूब रे सबुठ कॉमनली देखा जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स जो मैंने क्लास देखी ना प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छे आपकी देखिपारे डिटेल्स आपंपर जी देखिए ओके देन देखा क्वेश्चन नंबर सेवेन क्वेश्चन नंबर सेवेन कहला द एंटेरियर फंटेनेल्स इज क्लोज्ड एट एंटेरियर फंटेनेल पोस्टेरियर फंटेनेल आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी ठीक अच्छे एंटेरियर फंटेनेल सेप केमी एमती डायमंड सेप पोस्टेरियर फंटेनेल सेप ए टाइप ट्रायंगुलर सेप ठीक अच्छे आम ऑलरेडी या विषय डिस्कशन कर सारी
जो मैंने देखी नहांती से मैंने देखंतु चैप्टर ना हो टॉपिक रो ना हो फेटल स्कल। ओके तेणु फेटल स्कल चैप्टर देखंतु सेठी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सारी तार डायमीटर केते आमर सीचरिंग लाइन कौन फंटानेल्स कौन ठीक अच्छे आम ऑलरेडी ता विषय डिस्कशन कर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छे आपन देखिए फेटल स्कल। ओके तो क्वेश्चन कहूँ आमर जो एंटेरियर फंटानेल अच्छे सेटा केते समय रे क्लोज होता है। ऑप्शन ए 6 weeks, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 1.5 years, ऑप्शन डी 2 years। देखो 1.5 years माने ये गोटे गोटे पिला कौन करती से मैंने भावती 1 year एंड 5 months एमती ना। ओके आमर वर्ष जाक के मस 12 months। ओके जदि 0.5 दैट मीनस के अधा तेणु 1.5 years दैट मीनस हूँ के 1 वर्ष 6 months माने टोटल 18 months यहाँ कनफर्म था। आउ 1.5 years मान नुहजे 1 वर्ष 5 months ठीक अच्छे से 1.5 years मीन देढ़ वर्ष जोटा कि 18 months हो। ओके तो कौटा हम ठीक आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंटीरियर फंटानेल केते समय रे क्लोज हुए 1.5 years रे एवं देढ़ वर्ष रे आउ जोटा पोस्टीरियर फंटानेल से केते क्लोज हुए देढ़ मस 45 days 45 days कौटा पोस्टीरियर फंटानेल। ओके देन देखिया क्वेश्चन नंबर एट कहला द ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन आज ग्रोथ चार्ट को आउ कौन कह जाए। ऑप्शन ए न्यू बलार्ड स्केल, ऑप्शन बी रोड टू हेल्थ चार्ट, ऑप्शन सी अबगर स्कोर, ऑप्शन डी जीसीएस स्कोर कौटा कह जाए। देखो तो, ग्रोथ चार्ट को आमर रोड टू हेल्थ चार्ट बोली कह जाए यहाँ मन रखि था। ये ग्रोथ चार्ट आपण मैंने जितेबाला पोस्टिंग पाए से देखिए विभिन्न प्रकार अंगनवाड़ी भिजिट कला बेलू जो मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्स पोस्ट भी अप्लाई करें भी एटा इंपोर्टेंट जिते अंगनवाड़ी सेंटर को आपने भिजिट करेंगे अंगनवाड़ी सेंटर में एमती गोटे चार्ट एमती टंगा ही आईटा ये टाइप रमती थी गोटे एरिया थमी रेड कलर रके टाइप रमी रेड कलर रो गोटे एरिया थी आ गोटे कलर थी आमर केमती ना एमती ग्रीन कलर रो एमती ग्रीन कलर रो ठीक अच्छे। एक्चुअली एटा मुझे उल्टा करदेली रेड पटोटा तले रहा कथा ग्रीन पटोटा ऊपर रहा कथा। ओके तेणु जो मैंने अंडर वेट बा एज अकॉर्डिंगली हाइट वेट ग्रो करूना से मैंने कौन हो रेड लाइन तले रही आउ जो मानकर नॉर्मल हाइट एवं वेट होउची से माने ये ग्रीन लाइन गुड़ा को टच करेंगे ठीक अच्छे। एमती गोटे टंगा ही हेल्थ ये जो आम अंगनवाड़ी सेन्टर में सेठी आपण मैंने देखिपारे क्या ग्रोथ चार्ट तार अन्य नाम हूँ कौन रोड टू हेल्थ चार्ट यहाँ मन रखि था। ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देन आमर क्वेश्चन नंबर 9 कहला इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री इन द ईयर 1970, 1977, 1980 or 1982। इंडिया आमर स्मॉल पॉक्स फ्री हला बोली स्मॉल पॉक्स फ्री देश हला बोली केबे घोषणा कराहितला बा डिक्लेयर करा हला 1970 रे ना 1977 रे ना 80 रे ना 82 रे केबे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके 1977 रे इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री बोली डिक्लेयर कराहितला ठीक अच्छे। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहला ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस माने कौन जानते कि देखो एन्यूरेसिस माने हूँ एणे तेणे परिस्रा करदे यूरिनेसन करदे। ओके मेनली यहाँ छोट छुआ मान क्षेत्र में देखा जाए एवं ओल्ड एज क्षेत्र में देखा जाए। ओके जो मान जो मैंने अत्यधिक एजेड लोक मैंने निज बॉडी उपरे किंबा ऑर्गन्स उपरे कंट्रोल रुहे ना से माने आइदर काम करती एन्यूरेसिस देखा जाए किंबा छोट छुआ माने ठीक अच्छे। आम जदियो बाउल कंट्रोल सिखाऊँ छोट छुआ मानक बाउल कंट्रोल जदियो सिखाऊँ टॉयलेट ट्रेनिंग जदियो दौंस तथापि बेले बेले कौन हुए से माने चिकित्सा हेला परे भी एणे तेणे जोड़ी इच्छा सीटी सुसु कर दिखती जितेबाद इच्छा सेसु कर दिखते। ओके आउ टाइप रो कंडीशन आउ का पाखे देखा जाए ओल्ड एज क्षेत्र में जो मैंने ऑलरेडी 90, 85, 90, 100 एमती कंट्रोल रुहे से मानकर भी यूरिनेसन हो जाए ठीक अच्छे ताकू कहा जाए एन्यूरेसिस।
ओके एणे तेणे यूरिनेसन करने को एन्यूरेसिस कहा जाए। तो ये जो एन्यूरेसिस तार ड्रग ऑफ चॉइस कौन ताको ट्रीट करियार सेटा होजे हमरो ऑप्शन ए होजे क्लोजापाइन, ऑप्शन बी डाइजिपाम, ऑप्शन सी एमिप्रामिन, ऑप्शन डी ओलांजिपाइन। कोडा हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके एमिप्रामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एन्यूरेसिस। ओके एटा आपण नोट करके रखी थांदो। इवेन आपण जदि नियर के फिजिक्सियन भी अछंती आपण माने कंसल्ट करि परिवे किछ असुविधा नै ताको पचारि परिवे जे वीडियो रे सर एमती कहते यहाँ ठीक कि ओके पचारि पारे किसी असुविधा नहीं तेणु नोट करके रखि था जदि घर सेमती कह रही पेसेंट अच्छा एन्यूरेसिस टाइप रो कंडीशन देखा जाने या कोईपरेंगे। ओके किंतु सजेसन यहाँ जे देवा आगु थरुटे निहाती भाव में डॉक्टर सहित कनसल्ट करेंगे। तो एन्यूरेसिस ड्रग ऑफ चॉइस कौन इमिप्रामाइन। ओके सो पे आई थिंक आपण सेशन टी निहाती भाव में भल लगे भल कौन आज तो टे भयस भी मोर डल डल टाइप रुणा आपण को ठीक अच्छे जहाँ भी हो आशा करुँचे आपति भाव में हेल्पफुल हम क्लास टी। तो आज ये पुणी देखा हाँ गोटे नुआ और इम्पोर्टेंट क्लास सह टिल देन टेक केयर बाय बाय।